राम जी, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। समता फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताती हूँ कि गैस के बर्नर कैसे चमकाएं। कई बार क्या होता है कि बर्नर में जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उनमें से रेड कलर की आंच आने लग जाती है और हमारी गैस बहुत बर्बाद होती है। तो क्यों ना आज हम घर में 8 रुपए के खर्चे में ही बर्नर को चमका लिया जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हो हमारी गैस कैसे धीमी चल रही है, क्योंकि बर्नर के छेद सभी बंद हो चुके हैं, इसलिए गैस धीमी चलेगी। आपको लेना है एक बर्तन, कटोरी, कोई भी बर्तन ले लीजिए। उसमें बर्नर को रख के उसमें गर्म पानी डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इनो डालना। एक साथ डालोगे तो इनो बर्नर के छेदों में नहीं जाएगी और थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो पानी में घुल के वही चली जाएगी। बर्नर को 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। आपको लेना है कोलगेट और ब्रश। आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हो, इसकी जगह आप विम बार या बर्तन साफ करने का साबुन भी ले सकते हो। उसको थोड़ा थोड़ा ब्रश से लगाकर अच्छे से घिसना है कि बर्नर साफ हो जाए। कई बार क्या होता है कि घर में चावल दाल खाना बनाते रहते हैं तो उसका पानी बर्नर में चला जाता है और उनके छेदों को बंद कर लेता है। तो हमें बर्नर को हर 15 से 20 मिनट 20 दिन में साफ़ करना चाहिए। बर्नर को आपके पास लोहे का जूना हो तो उससे भी आप साफ कर सकते हो। डिटर्जेंट की जगह आप कोलगेट भी ले सकते हो। कोलगेट को लगाकर ब्रश से अच्छे से घिसना है। अगर लोहे का बर्नर होगा तो भी साफ़ हो जाएगा और अगर आपके पास तांबे का बर्नर है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। आपको लगातार 15 से 20 मिनट के लिए बर्नर को घिसना है। उसके बाद आप देखेंगे कि बर्नर कितना साफ और सुथरा हो जाएगा। जब बर्नर के छेद खुल जाएंगे तो आपकी गैस बर्बाद नहीं होगी और खाना बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हो बर्नर कितना साफ हो गया है। ये लोहे का बर्नर है इसलिए साफ हो चुका है। अब इससे गैस बर्बाद नहीं होगी और हमारी गैस की बचत भी होती रहेगी। हमने दूसरा बर्नर लिया है तांबे का और आपके घर में अगर ब्रश ना हो तो लोहे का जूना लेकर उसमें डिटर्जेंट लगाकर या बर्तन साफ करने का साबुन लगाकर अच्छे से घिसना है ताकि उसका जैसा कलर हो बर्नर का वो कलर निखर के ना आ जाए। जब तक घिसाई करनी है उसके अच्छे से छेद खुल जाएंगे तो आपको खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और गैस आपकी फटाफट से चलेगी। आज हमने दोनों बर्नरों को साफ करने में पूरा दिन लगा दिया है और आप देख सकते हो पूरे दिन की मेहनत। हमारा तांबे का बर्नर घिसने से इसके ऊपर पीले पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा होगा और अब ये साफ़ होने लग गया है। कुछ ही मिनटों में ये साफ हो जाएगा और आप घर में 8 रुपए के खर्चे में बर्नर, गैस सब साफ कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारा बर्नर चमकने लग गया। ये है हमारे पूरे दिन की मेहनत आज की। आपको बर्नर को गीला गैस पे नहीं रखना है, इसको पहले सुखाना है। सूखने के बाद ही गैस पे रखिए। आप देख सकते हो हमारा गैस कितने अच्छे से चल रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।